बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपके लिए सुपर एलिवेशन की कैलकुलेशन का एक बहुत यूज़फुल प्रोग्राम लेकर आया हूँ। वो उसमें आप ये देखेंगे कि आपने इधर जस्ट इनपुट करना है सुपर एलिवेशन का डेटा, इधर से आपने वर्टिकल डेटा इनपुट करना है, तो नीचे ये आपको कैलकुलेशन कर देगा। आपको टी आर लेंथ, रिवर्स क्राउन, रन ऑफ लेंथ आपकी किधर से स्टार्ट हो रही है और रन आउट लेंथ किधर तक है आपकी, इसी तरीके से पी टी स्टेशन वाली साइड के ऊपर भी आपकी ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक क्लिक कर देगा। उसके बाद रन आउट स्टेशन की डिटेल आपका किधर से स्टार्ट हो रहा है, नीचे उसकी स्लोप कितनी आ रही है, रन आउट एंड किधर हो रहा है उसकी स्लोप किधर आ रही है, इसी तरह रन ऑफ स्टार्ट हो रहा है उसकी स्लोप, और रिवर्स क्राउन किधर से आपका स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स क्राउन और रन आउट के मुताबिक आगे हम बात करते हैं। इसी तरह ये आपका पीसी स्टेशन, जो पीसी साइड है कर्फ का स्टार्ट पोर्शन, इन वाली साइड और ये आउट वाली साइड है आपकी, तो इसकी पूरी डिटेल इधर लेफ्ट और राइट की आपके साथ आ जाएगी। नीचे ये हमारे पास इनपुट डेटा है जिसके अंदर आपने द शोल्डर की विथ इनपुट करनी है, अपनी रोड की पेमेंट राइट और लेफ्ट साइड की विर्थ अलहदा करनी है, शोल्डर की विर्थ अलहदा करनी है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये जो विर्थ आपने देनी है ये पेवीमेंट की विर्थ देनी है, आपने इसके अंदर शोल्डर की विर्थ को इंक्लूड नहीं करना। इसी तरह स्टेशन इंटरवल है, जितने इंटरवल पर आपको स्टेशन चाहिए। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जिधर से स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी आर डी स्टार्ट हो रही है, यानी कि सुपर एलिवेशन से पहले की जो भी आर डी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्टिकल कर्व की, यानी कि वी पी सी स्टेशन से पहले पहले की जो आर डी होगी वो आप इधर दे सकते हैं, और एंड के ऊपर इसी तरीके से वी पी टी की जो आर डी आ रही है उधर तक की आर डी आप दे सकते हैं। उसके मतलब ये कंप्लीट शीट उसके हिसाब से ये आपको कैलकुलेशन करके देगी। नीचे आप आते हैं तो ये आप सेंटर लाइन का एलिवेशन है, ये आप ये देख रहे हैं ये पूरे फार्मूलाज के ऊपर लगाया हुआ है मैंने, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको इस वर्टिकल कर्व के हिसाब से करके सेंटर लाइन के लेवल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा, जिसमें जी वन और जी टू साइड के लेवल्स भी शामिल होंगे। उसके बाद ये आपके पास स्लोप्स आ रही हैं, ये स्लोप आपकी सुपर एलिवेशन की स्लोप जा रही हैं, जिधर नॉर्मल कैमरा है उधर आपका नॉर्मल जाएगा, जिधर से आपका सुपर एलिवेशन चेंज होएगा जिस आर डी से, उस आर डी से नीचे आके ऑटोमेटिकली इसकी स्लोप चेंज होना शुरू हो जाएगी। सपोज है कि इधर से ये हमारी राइट साइड की कर्व है, तो इधर से आप ये देख सकते हैं कि इधर से ये हमारी स्लोप इधर से इस पोर्शन से आगे चेंज होना शुरू होगी। इस पोर्शन से आप ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये आप राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं कि ये सारी की सारी स्लोप से इधर से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते जा रही हैं। जो मैक्स सुपर एलिवेशन का एरिया है वो इधर से पूरा मैक्स सुपर एलिवेशन आएगा, और उसके बाद जिधर आपकी ट्रांजिशन ख़त्म होकर एंड हो जाएगा -2% उधर -2% आ जाएगी, इधर माइनस आ रही है इधर प्लस आ रही है, सारी कैलकुलेशनें इसकी ऑटोमेटिकली सारी होंगी। तो ये आपने इसके हिसाब से ये पूरी यूज़फुल शीट आएगी आप कर सकते हैं। इसके बाद शोल्डर की विड्थ आएगी, ये शोल्डर की स्लोप भी ऑटोमेटिकली इधर से कैलकुलेट हो जाएगी आपकी 4% के हिसाब से, जितनी जितनी स्लोप्स आपकी जाएगी ये आप देख रहे हैं आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर, ये आपकी इस स्लोप के हिसाब से आपकी शोल्डर की स्लोप ऑटोमेटिकली सुपर एलिवेशन के ऊपर कैलकुलेट हो जाएंगी। जिधर 6% है प्लस में उधर -2% आएगा, जिधर -6 आएगा उधर शोल्डर भी आपका -6 आएगा। तो इसी तरीके से ये पूरी यूज़फुल शीट है, इसके साथ इसके एलिवेशंस भी कैलकुलेट हैं। आपने राइट साइड के जो एलिवेशन देना चाहते हैं वो आप इधर से दे सकते हैं, लेफ्ट साइड के जो एलिवेशंस देना चाहते हैं वो आप इधर उसको दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इसका डेटा इनपुट करना है। आपने डेटा इनपुट करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये इस डेटा को इसी तरीके से इनपुट करना है, आपने ये नहीं कहना कि भाई इधर मेरा माइनस, इधर मैं 6 कर दूँ सुपर एलिवेशन मेरी है, तो इधर -2.5 है, तो ये आपकी सारी कैलकुलेशन इधर से आउट हो जाएगी। आपने इधर से जो भी आपने राइट और लेफ्ट साइड के हिसाब से अपनी स्लोप्स को इधर इनपुट देना है, 2% है 2% दे देना है, 6% है तो 6% दे देना है, राइट लेफ्ट ये इसके ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर पी सी स्टेशन को इनपुट करना है। इधर से मैं प्लान प्रोफाइल की शीट को ओपन कर लेता हूँ, ये आपके सामने ये आप ये देख रहे हैं ये पूरी प्लान प्रोफाइल की शीट है। तो उसके अंदर से सबसे पहले आपने ये जो पी सी स्टेशन जा रहा है ये आपने इनपुट करना है 7+054 और 62 7+054 7+054.62 पी सी स्टेशन था। उसके बाद आपने इसकी एल सी देनी है, तो आपने इसी कर्व की जो आपके पास लेंथ ऑफ कर्व है वो आपने देनी है 1648.49। तो ये हमारे पास है 1648.49, ये हमने इसके अंदर इनपुट कर देनी है। कर्व की डायरेक्शन देख लेनी है, कर्व की डायरेक्शन ये डिफ्लेक्शन एंगल के साथ लिखी हुई होती है, राइट साइड की कर्व होगी आपने आर देना है, लेफ्ट साइड की कर्व है हमारे पास तो हम इधर उसकी एल की वैल्यू इसके अंदर इनपुट कर देंगे। आप एल दे दें इसके अंदर, बेशक आप स्मॉल दें
या आप इसमें कैपिटल लॉक करके दे दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप दोनों भी फिगर को उसी तरीके से लेगा। तो आपने एल दे देनी, उसके बाद टोटल पेवमेंट विड्थ जो आपका टिपिकल सेक्शन है उसके हिसाब से जो आपकी विड्थ आ रही है वो आपने इसके अंदर इनपुट करनी है। आपने इस फॉल्ट का पेव्ड एरिया इसके अंदर इनपुट करना है। आपने जो अर्दन शोल्डर होंगे वो आपने इसके अंदर इनपुट नहीं करना है। टोटल विड्थ जो आपकी राइट और लेफ्ट साइड की मिला के आएगी वो विड्थ को आपने इसके अंदर इनपुट करना है। उसके बाद आपकी जितनी विड्थ है कि आप इधर से कर सकते हैं, मैंने 21 फर्जी लिखा हुआ है। उसके बाद इस चार्ट से ऊपर एलिवेशन स्लोप है, तो आपने उसी प्लान प्रोफाइल की शीट के ऊपर आना है और नीचे आ जाना है। तो ये नीचे उस कर्व के सामने इधर आपको बता रहा होगा, इधर आपकी -2% की स्लोप जा रही है नॉर्मल कैम्बर और इधर हमारे पास +6% का सुपरा एलिवेशन जा रहा है। दरमियान में इसकी TR जा रही है। ये आपने ये TR को हमने इसकी ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट करना है स्पीड के हिसाब से और इधर से, और उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन इसकी होंगी। आप इसका स्केल के हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, नीचे उसने दिया हुआ होता है इसको। तो ये मैंने PDF की एक नॉर्मल शीट बनाई हुई है। तो आपने नॉर्मल कैम्बर जो स्लोप है वो -2% देनी है और +6% सुपर एलिवेशन की स्लोप है। इधर आपने -2 लिख देना है और इधर आपने 6 लिख देना है। 6 है तो 6 लिख देना है, 3 है तो 3 लिख देना है, 4 है तो 4 लिख देना है। आपने जो भी आपके पास आ रही है वो आपने इधर लिख देनी है स्लोप। इसके बाद SC स्पीड फैक्टर, ये सबसे अहम जुज है इस पूरी कैलकुलेशन का सारा। इसके लिए नीचे एक टेबल आपको दिया गया होता है, इसमें इस तरह का टेबल ड्राइंग्स के अंदर होता है, ये आपके स्पेसिफिकेशन के अंदर होगा, ये आपके ड्राइंग्स के अंदर दिया गया होता है। तो ये उसकी स्पीड स्टैंडर्ड ये पूरा टेबल है। ये आपने अगर फिट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका ऊपर वाला टेबल यूज़ होएगा, ये आपकी पर माइल स्पीड आएगी और ये उसका इस फैक्टर जा रहा है। सुपर एलिवेशन का जो फैक्टर जा रहा है वो ये जा रहे हैं। मीटर्स में काम करेंगे मैट्रिक्स में तो ये आपकी स्पीड जा रही है और ये आपका फैक्टर जा रहा है। तो इधर मेरे पास मैंने 0.50 का लिया फैक्टर, तो ये मेरे पास 80 किलोमीटर की जो स्पीड जा रही है उसके हिसाब से 0.50 का लिया है। आप इस हिसाब में जो फैक्टर आपका आपकी अगर ये नहीं एडजस्ट हो रही शीट तो आपने ये फैक्टर लगा के चेक कर लेने हैं। आपका ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजिशन आपकी ड्राइंग के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो इधर मैंने 0.50 दिया हुआ है, आप इधर इसको इसी तरीके से 0.50 ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पीड के हिसाब से 0.55 आ रहा है आप 55 कर दें, 40 आ रहा है आप 40 कर दें। तो मैंने इधर 50 किया हुआ है, आपने इसको उस टेबल के हिसाब से कर देना, ये मैं इसी शीट के ऊपर रख दूंगा। इसी तरह शोल्डर की स्लोप है, शोल्डर की स्लोप अर्दन शोल्डर की जो स्लोप होती है वो मैक्सिमम 4% तक दी जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इधर जितनी भी स्लोप आपने देनी है तो आपने इधर इसकी स्लोप को दे देनी है। तो ये सुपर एलिवेशन का डेटा आपने इसी तरीके से इनपुट करना है। आपने इसके अंदर ये नहीं कहना कि जी इधर मेरे पास -6 है और इधर मैं इसको 2.5 हिसाब से कर दूँ, तो ये आपकी कैलकुलेशन को गलत ले जाएगा। ये इधर आपके माइनस में साइन आ जाएंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन इधर से गलत हो जाएगी। तो आपने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, जो आपकी कैलकुलेशन जिस तरीके से जा रही है, क्योंकि चूँकि राइट लेफ्ट हमें इधर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं, तो आपने इधर से इसी तरीके से जो सुपर एलिवेशन की जो स्लोप्स होंगी वो आपने इसी तरीके से इनपुट करनी है। उसके बाद आपने इसी पोर्शन का कर्व पोर्शन का ये 7+05 वाले पोर्शन के ऊपर जो वर्टिकल कर्व का डेटा आ रहा है वो आपने इधर से इनपुट करना है। आप इधर से ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ मैं इधर से, तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये इधर वर्टिकल कर्व इसकी आ रही है 8+500 के ऊपर आ रही है। ये मेरे पास वर्टिकल कर्व है कि इससे पीछे मेरे पास कोई वर्टिकल कर्व नहीं है। इधर तक मैं जो भी PC स्टेशन मेरा पीछे जा रहा है मैं उधर तक का भी इसका स्टेशन दे सकता हूँ, कोई भी मैं स्टेशन इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अगर पीछे मेरी कोई वर्टिकल कर्व नहीं है तो मैं 0-0 भी इसको दे सकता हूँ। तो इधर से मैंने इसकी वर्टिकल कर्व का स्टेशन देना है 8+500, ये मैंने इधर इसका अंदर दे देना है 8500, इंटर कर देना है। आपका VPI एलिवेशन जो जा रहा है वो आपने इधर दे देना है 721.15। तो आपने इधर ये एलिवेशन इनपुट कर देना है। इसी तरह वर्टिकल कर्व की लेंथ, ये वर्टिकल कर्व की लेंथ दी गई होती है 250 मपल लेंथ आ रही है, तो आपने ये 250 इसके अंदर इनपुट कर देना है। इसी तरीके से G1 आपने लाजमी इनपुट करना है। जीवन आपने इसी तरीके से जो आपकी कर्व से पीछे वाला जो होता है ग्रेड वो G1 कहलाता है। इधर 0.04 आ रहा है मेरे पास प्लस के अंदर, तो आपने इसी तरीके से 0.04 इसको एंड कर देना है। G2 आपके पास जो जाएगा आगे वाला वर्टिकल कर्व से आगे वाले पोर्शन के ऊपर, तो ये मेरे पास माइनस में आ रहा है 0.04, तो आपने इसको नीचे माइनस 0.04 नीचे लगा देना है, तो ये मेरे पास इधर
उसकी वर्टिकल कर्व, उसकी सारी कैलकुलेशन इधर कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर आपने कोई और डेटा नहीं देना। तो आपने ये इसी तरह कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं सारी। आपने देना है इस डेटे को, वर्टिकल कर्व्स को आपने डेटा देना है जो आपकी कर्व्स के अंदर डेटा आ रही है। तो अगर आपके पास ज़्यादा कर्व्स आ रही हैं वर्टिकल कर्व, तो वो आप लेवल इसके मैनुअल नीचे इसके लिख दीजिएगा। मैंने एक की शीट बनाई है इसके अंदर, क्योंकि ये जो हमारे हाईवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम ये एक ही कर्व्स आ रही होती है। वो जो आपका हिली एरिया होता है या आपका जिधर ग्रेड चेंज हो रहा होता है उधर आपकी वर्टिकल कर्व्स ज़्यादा होती हैं। तो आपने ये डेटा को इसी तरह इनपुट कर देना है, तो नीचे ये हमारी सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। टी आर लेंथ, तो ये मैं इधर मैंने फार्मूले इसके इधर रख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं ट्रांजिशन लेंथ का। ये सारे पूरी कैलकुलेशन इसकी कंप्लीट हुई हुई है और ये इसकी शीट पड़ी हुई है कि आपने कहा रन आउट जो होता है वो रन आउट आपका किधर से स्टार्ट हो रहा होता है। आपके पास वो जो आपका आपके पास वैसे टी एल जो लिए ट्रांजिशन लेंथ आएगी, ये टोटल लेंथ आएगी। ये पूरी टोटल लेंथ होती है आपकी ए से लेके और आपकी ई तक का जो होता है। ये टेबल आपकी टैंक्स के अंदर लगा हुआ होगा, उसके अंदर तक ये पूरी होती है। तो इसके अंदर जो पहली जिधर हमारा रन ऑफ जो जिसको हम कहते हैं रन ऑफ जो हमारा होता है, रन ऑफ जो स्टार्ट हो रहा होता है वो होता है 0-0 वाला। ये 0-0 आर डी है, ये रन ऑफ स्टार्ट है 0+741। इससे पहले ये -2 से ये 0 पे जाएगा। जिधर 0 हमारी स्टार्ट होगी तो ये हमारा रन ऑफ इधर से कहलाएगा, रन ऑफ से लेके और हमने इधर रन ऑफ एंड जो स्टेशन होता है जिधर मैक्स सुपर एलिवेशन हो रहा होता है वो उधर तक की कैलकुलेशन होती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये ट्रांजिशन लेंथ जो ये ऊपर कैलकुलेशन हुई हुई है, ये उसका पूरा फार्मूला लगा हुआ, मैक्स एक्सी माइनस प्लस क्रॉस स्लोप एससी स्पीड फैक्टर हाफ पेमेंट। ये आप इसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। ये पूरे फार्मूले उसके हिसाब से इधर मैंने लगाए हुए हैं सारे। इसी तरीके से रिवर्स क्राउन है आपका, रिवर्स क्राउन जो होता है आपका जिधर से आपकी दोनों स्लोप्स बराबर हो जाती हैं। अभी आप ये देख रहे हैं ये 2% है इधर और इधर भी 2% है। 7081 हमारा अगर राइट साइड करा हुआ है तो लेफ्ट साइड के ऊपर जिधर हमारे पास प्लस में आएगा वही स्लोप 2% की, जिधर से हमारी स्लोप माइनस में भी जाएगी तो वो सेम टू सेम जो स्लोप होगी जिधर से वो हमारी अगर हमारी राइट साइड की करा हुआ है, राइट साइड की कर्व है तो हमारा जो लेफ़्ट साइड होएगा उसका जो माइनस वाली जो आरडी जाएगी माइनस स्लोप वो आगे तक जाती है। तो ये रिवर्स क्राउन हमारी आरडी होती है 708। ये आप सारी आरडीज इस फार्मूले के तहत निकली हुई हैं। आप इसके ऊपर जिधर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा उसकी डिटेल इधर से नज़र आ जाएगी सारा कुछ। तो इसके बाद ये आप ये देख रहे हैं इसके अंदर मैंने एक चीज़ और ऐड की हुई है जो कि हमारी मेन सुपर एलिवेशन के इस डेटे के अंदर दी गई होती है 2/3 और इसमें 1/3। 2/3 जो होता है हमारा ये पीसी स्टेशन से पीछे वाला एरिया होता है, हमारा पीसी स्टेशन से जो पीछे वाला एरिया होता है ये हमारा 2/3 होता है। ये हमारा बनता है 67%। ये ऊपर आपके पास लिखा हुआ है SR और इसी तरीके से 33% हमारे पास होता है पीसी पॉइंट के अंदर तक का। ये ऊपर हमने इसकी पीसी पॉइंट की आरडी दी थी सारी। तो ये हमारा जो बिल्कुल स्टार्ट स्टेशन होएगा, इसको मैं इधर से क्लिक करता हूँ दोबारा आपको मैं ये एक सैंपल के तौर पे बना के बताता हूँ। आपने इधर से ये इसको डिलीट कर देना है, इजिकल टू करना है। ये अपना पीसी स्टेशन को आपने इधर से क्लिक करना है। इसके बाद आपने माइनस की साइन लगानी है। हमने पीसी स्टेशन से पीछे ये जो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर ये 1/3 ये हमारे पास पीसी स्टेशन है, इससे पीछे हमारे पास 67% जा रहा है, 67% जा रहा है। तो आपने इधर से पीछे आना है इस आर डी से, तो आपने पीसी स्टेशन को सिलेक्ट करके माइनस करना है, ब्रैकेट लगानी है और ये टी आर टोटल लेंथ आपने सिलेक्ट कर लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय 67% आपने इधर कर देना है। 67% करने के बाद आपने इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगी 67 के हिसाब से आर डी आ जाएगी 6+97.24। तो मैं इधर ऊपर आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ। इजिकल टू 160 को आप इधर से 67% करेंगे, परसेंट का साइन में लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास 107% जो है इसका 67% बनता है। तो इसी तरीके से आपने जो बकाया बचता है आपने इक्वल टू करना है इसका, मल्टीप्लाइड बाय 33% आपने इधर कर देता हूँ, तो ये आपके पास 52 मीटर हमारा पीसी पॉइंट से अंदर होएगा और 107 मीटर जो है हमारा पीछे होएगा। तो इसको मैं टोटल करता हूँ इधर दोनों लेंथों को इधर, तो ये आप ये देखेंगे ये मेरे पास लेंथ वही आएगी, 160 की लेंथ इधर आ गई है। तो ये आपने इसी तरीके से इस फार्मूले को इधर
लगाना है। इसी तरीके से ये सेकंड वाला फार्मूला है, इसके अंदर से भी जब एक लगा दी है तो आप इसके अंदर ये आरडी भी प्लस कर सकते हैं, आप 33% भी कर सकते हैं, तो सेम टू सेम ये आरडी हमारे पास आ जाएगी। इधर जो हमारे पास जो ये हमारी आरडी होगी, इधर जो हमारे पास क्रॉस स्लोप जा रही है वो -2% की जा रही है, और ये बिल्कुल एंड वाला, ये बिल्कुल एंड वाला हमारा पोर्शन रहेगा, इधर हमारे पास मैक्स सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से नीचे आपने ये फार्मूले के ऊपर स्टार्ट रन ऑफ, जिधर हमारे पास आर डी 0-0 होती है, मैंने आपको बताया कि रन ऑफ जो स्टेशन स्टार्ट हो रहा होता है वो हमारे पास ये रन ऑफ जो होता है ये पूरी जो जारी होती है ये बी नंबर से लेके और ई नंबर तक, ये 0-0 से लेके और ये एंड तक का जो होता है ये रन ऑफ कहलाता है, और ये जो हमारा ये बीच वाला पोर्शन है ये हमारा रन आउट कहलाएगा। तो आप इधर देख रहे हैं रन ऑफ की लेंथ हमारे पास 120 आई है, ये फार्मूले के हिसाब से आए हुए हैं सारे लगे हुए, और इधर इसी तरीके से रन आउट जो है हमारा ए से बी तक का जो होगा वो 40 होएगा। 40 फुट के ऊपर मतलब ये होता है कि आपने -2 से लेके 0-0 तक जाना है तो वो आपका 40 फिट होएगा, उसके बाद 0-0 से लेके और आपने एंड तक जो जाना है रन ऑफ वो आपका 120 मीटर होएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशंस, ये फार्मूले मैंने इधर सारे इधर लगाए हुए हैं सारे, इसी तरीके से आप ये फार्मूले मैं इधर रख दूंगा साइड के ऊपर ही, आप इनकी मदद से दोबारा भी अपनी खुद कैलकुलेशंस भी इसकी कर सकते हैं। ये जो आर डीज बनी हुई है सारी, ये इन्हीं हिसाब से इन्हीं स्टेशन के हिसाब से इसमें से माइनस होके और ये बनी हुई है टोटल, इसके आगे ये स्लोप्स वगैरह लिखी हुई है। इसी तरीके से ये हमारा पी टी साइड वाला पोर्शन आएगा, ये हमारा पी सी साइड वाला था, ये पी सी साइड वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो आपने स्टेशन को इनपुट करना है। इसी तरीके से मैं आपको इधर दोबारा कर देता हूँ, इसका बता देता हूँ तरीकाकार सारा। आपने इधर से इजिकल टू करना है, आपने इधर से अपनी पीसी स्टेशन को लेना है, उसके बाद आपने इधर से कर्व लेंथ को इसके अंदर प्लस कर देना है, कर्व एन को प्लस करने के बाद आपने इधर से माइनस करना है, माइनस आपने करना है क्योंकि आगे हम जब जाएंगे पीटी स्टेशन वाली साइड के ऊपर तो उधर से हमारा जो सुपर एलिवेशन वाला पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन, ये जो पीसी में ये आपका पीटी आ जाएगा और ये आपका अंदर वाला जाएगा, तो 1/3 जो होएगा पीटी पॉइंट का जो कर्व के अंदर आएगा और सिर्फ बाकी जो पोर्शन होएगा वो इसे पीछे जाएगा। तो आपने इसी तरीके से इधर आपने इक्वल टू दोनों पॉइंट इधर से पीसी प्लस, तो ये आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपका पीटी स्टेशन आ जाएगा आपकी कर्व का। तो आपने इधर से इसके अंदर से माइनस करना है, ब्रैकेट लगा देनी है, और ये जो टी आर की लेंथ आई थी आप बेशक इसको ले लें या सेम टू सेम आएगी दोनों साइडों के ऊपर, इसको लेके मल्टीप्लाइड बाय 33% आपने इधर से इसको कर देना है। 33% करने के बाद ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है, तो ये आपका जो कर्व का जो अंदर मैक्स सुपर एलिवेशन वाली जो आरडी होगी वो 8+650 होगी, इधर 7+107 और इधर 8+650, इसके दरमियान में जो पोर्शन होएगा ये आपका मैक्स सुपर एलिवेशन का पोर्शन होएगा। इसी तरीके से रन आउट ऑफ वाली पोर्शन है, आप इसी आरडी में से माइनस डायरेक्ट ये कर दें या आप इसमें से +67 भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 6% है इसके ऊपर, ये आप नीचे देख रहे हैं, और ये बिल्कुल एंड जिधर हमारी सुपर एलिवेशन ख़त्म होकर क्रॉस स्लोप हो जाएगी उधर -2 की स्लोप इधर आ जाएगी। इसी तरीके से इसका रन ऑफ स्टेशन है ऊपर उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने इसके अंदर प्लस कर दिया है। इस साइड पे आप पीसी वाली साइड पे जाएंगे तो पीटी वाली साइड पे जाएंगे तो आपका प्लस होता जाएगा स्टेशन। इसी तरीके से आपका रिवर्स क्राउन जिधर आपकी स्लोप 2% दोनों साइडों के ऊपर स्लोप सेम टू सेम आ जाएगी, एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस, तो ये उधर उसका पोर्शन इधर से हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन सारी इसी तरीके से हुई हुई है, नीचे लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन हमारी हुई है रिवर्स क्राउन की, मैंने अलग अभी आरडी बना दी है दो पोर्शन राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये आपका इधर जो इधर से आप कर्व को चेंज करेंगे इधर राइट करेंगे तो ये आपकी जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी। इधर फार्मूले के अंदर तो मैंने उसको सेम टू सेम रखा है क्योंकि इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये चेंज बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग करनी पड़ती थी, तो ये इधर से मैंने उसके ये जो फार्मूले लगे हैं इसके अंदर मैंने उसकी चेंजिंग्स को कर दिया है। तो इधर से जब आपकी राइट साइड की कर्व होगी तो ऊपर जो आपका आउटर साइड जिसको हमारे कहा जाता है वो हमारी आपकी होगी ज़्यादा, तो वो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा और नीचे आपकी राइट साइड दोनों साइडों के ऊपर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इधर हमारी लेफ्ट साइड कर्व थी तो आपने लेफ्ट साइड करना है, ये आपकी राइट साइड की कैलकुलेशन होगी, लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा तो राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा प्लस के अंदर जा रहा होता है। तो इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड होएगा ये प्लस में होएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इधर से इसी तरीके से ये प्लस में होएगा और ये वाला पोर्शन माइनस में होएगा। तो आपने ये इसकी कैलकुलेशन हमने इसी तरीके से नीचे की हुई है। इसके बाद आपने शोल्डर की वेथ इधर से इनपुट कर देनी, जितनी भी आपके पास 6 है तो आपने इधर से 6 कर देनी है, नीचे ये आपकी चेंज हो जाएगी। 5 है आपने 5 कर देनी है, 4 है
फोर कर देनी है, 2.5 आ रही है 2.5 कर देनी है। इसी तरह लेफ्ट ऑफसेट पेवीमेंट का जितने जो आपकी इस्फाल्ट जिधर एज हो रही है, जैसे शोल्डर स्टार्ट होना है उस साइड का, दोनों साइडों का आपने इधर से शोल्डर दे देना, लेफ्ट साइड का शोल्डर आपने माइनस में दे देना है 15 मीटर, और इसी तरीके से राइट साइड का शोल्डर आपने प्लस के अंदर दे देना है। तो ये आपके पास इधर ये ऑटोमेटिकली इस पोर्शन के ऊपर ये दोनों आईडीज इधर से चेंज हो जाएंगी। -10 करेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, -15 करेंगे तो 15 हो जाएगा। आपको इधर इसकी चेंज करने की स्लोप्स को ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्टेशन इंटरवेल है, फर्स्ट स्टेशन आपने BOP, मैंने आपको इधर बताया कि आपने इस तरफ से पीछे जो आपकी लास्ट आखिरी आई होगी आपकी VBT होएगी, आप उधर तक का इसके अंदर स्टेशन दे सकते हैं। और इसी तरीके से इस तरफ से आगे एक तो ये VBT है, इससे आगे वाला जो VPC होएगा उस जगह तक का आप स्टेशन इसके अंदर दे सकते हैं, उसकी ये कैलकुलेशन कर देगा। मैंने 00 से लेके 300 तक इसके अंदर एंड डाला हुआ था। इधर आप ये देख सकते हैं मेरे पास ऊपर RD चेंज हो गई है, 8+500 मेरे पास इधर आया है। तो इधर मैं आप सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा इधर लास्ट PC पॉइंट जो PT पॉइंट जो था वो 5000 था, और जो आखिरी आ रहा था वो मेरा इधर से 8000 8+00 उसकी RD आ रही है। तो इसके हिसाब से 8+ कह रहा हूँ मैं, इधर 12+00 उसकी RD आ रही है। तो ये अभी आपका 5 किलोमीटर से लेके और 12 वाली RD तक का जो कैलकुलेशन होगी, तो ये आपको इधर से पूरा का पूरा उसको कैलकुलेट कर देगा। तो ये आपके पास इधर उसी तरह उसकी RD आ जाएंगी। आपके पास सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो रही है 6+947 से। तो आपने इधर इसका इंटरवल जो भी देना चाहते हैं वो आप दे दें। इधर से मैं 100 का देता हूँ। तो इधर से आप ये देखेंगे कि जिधर मेरे पास स्लोप पीछे जो जा रही है वो -2% की स्लोप जा रही है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होएगी। और आगे जैसे सुपर एलिवेशन वाला एरिया हमारा इधर से चेंज हो जाएगा तो इसकी स्लोप इधर से चेंज होती जाएंगे, क्योंकि इंटरवल हमने 100 मीटर का दिया है तो इसलिए ये कम आई है इधर। तो आपकी स्लोप इधर से चेंज हो जाएगी, आपकी इधर जो लेफ्ट साइड की खराब होगी तो जो आपकी साइड होएगी राइट साइड वो आपकी प्लस हो जाएगी और लेफ्ट साइड आपकी माइनस हो जाएगी। तो आपने ये कैलकुलेशन इसी तरीके से ये आपको करके देगा ये प्रोग्राम पूरा। मैं इसकी शीट को डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप उधर से देख के उसको काम कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।